बुधवार को पंजाब के भटिंडा में सैन्य स्टेशन पर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर है। इस गोलीबारी के बाद 4 लोगों की जान चली गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बुधवार की सुबह 4:35 पर भटिंडा के सैन्य स्टेशन में गोलीबारी हुई। हालांकि राज्य पुलिस की माने तो ये कोई हमला नहीं बल्कि आपस में हुई गोलीबारी कही जा रही है। मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से रिपोर्ट मांगी है, वहीं पंजाब सरकार ने भटिंडा पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ब्रीफिंग देंगे। गोलीबारी के बाद त्वरित प्रतिक्रिया दल तत्काल एक्टिव हो गए और इलाके को घेर लिया। फायरिंग की घटना के बाद भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए। वहीं सैन्य स्टेशन पर परिवार के सदस्यों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया। परिसर के अंदर स्कूल बंद कर दिए गए। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के एक बयान के मुताबिक गोलीबारी की घटना सुबह 4:35 की है। बठिंडा के SSP गुलनीत खुराना ने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता लगा कि सेना के एक जवान ने संभवतः सुरक्षित परिसरों में दूसरों पर गोलियां चलाई। बठिंडा सैन्य स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और सेना के मुख्यालय 10 कोर का घर। धुरी चेतक वाहिनी दक्षिण पंजाब और उत्तर राजस्थान में पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की रक्षा के लिए है। बताया जा रहा कि यहां से 2 दिन पहले 28 राउंड कारतूस के साथ एक INSAS राइफल लापता हो गया था। संभावना जताई जा रही है कि हमले में इस राइफल का ही इस्तेमाल किया गया है। सेना ने कहा कि फिलहाल सभी पहलुओं का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।